चीन के बेकाबू रॉकेट से सहमी दुनिया। चीन का लॉन्ग मार्च 5B मिशन पूरी तरह से फेल हुआ। चीन का 5B रॉकेट बेकाबू होकर धरती के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। वक्त बीतने के साथ बढ़ रही वैज्ञानिकों की चिंता। धरती के किस शहर पर ये रॉकेट गिरेगा, इसका अभी तक वैज्ञानिक कोई अता पता नहीं लगा पा रहे। चीन ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को खतरे में डाला। दोस्तों, चाइना की स्पेस एजेंसी इस भारी भरकम रॉकेट पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो बैठी है और दुनिया की बड़ी स्पेस एजेंसियां भी इस रॉकेट का कोई भी सटीक ट्रैकिंग नहीं कर पा रही है। ऐसे में वैज्ञानिक परेशान है कि आखिर ये रॉकेट धरती पर गिरेगा तो कहां पर गिरेगा। दोस्तों, वैसे तो चाइना की कोई भी वस्तु ज्यादा दिन नहीं टिकती है, लेकिन चाइना का कोरोना वायरस इस दुनिया में अभी तक टिका हुआ है और इस दुनिया पर वैश्विक खतरा बनकर मंडरा रहा है। ऐसे में चाइना ने एक बार फिर से इस दुनिया को खतरे में डाल दिया है। दोस्तों, दरअसल चाइना स्पेस में अपना एक स्पेस स्टेशन बना रहा है और उसी स्पेस स्टेशन के पार्ट्स लेकर कुछ दिन पहले नासा ने एक रॉकेट लॉन्च किया जिसका नाम था लॉन्ग मार्च 5D। लेकिन रॉकेट ने जैसे ही धरती पर से उड़ान भरी और धरती की कक्षा से बाहर निकलते ही चाइना इस रॉकेट पर से पूरी तरह से कंट्रोल खो देता है और ये भारी भरकम रॉकेट अनकंट्रोल होकर धरती के चारों तरफ बड़ी तेजी से घूम रहा है। नासा के अनुसार 5D रॉकेट की रफ्तार काफी तेज है और 90 मिनट में ये धरती का एक चक्कर पूरा कर रहा है। दोस्तों, आप सोच सकते हो कि 90 मिनट में धरती का एक चक्कर पूरा कर रहा है चाइना का ये 5B रॉकेट, यानी कि इस वक्त इसकी रफ्तार कितनी ज्यादा तेज है और धरती के किसी भी हिस्से पर यह रॉकेट गिर सकता है, क्योंकि अभी तक कोई भी दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी इससे कोई भी संपर्क नहीं साध पा रही है और खुद चाइना भी इससे संपर्क नहीं साध पा रहा है, पूरी तरह से इससे संपर्क नहीं हो पा रहा है और आउट ऑफ कंट्रोल होकर ये धरती के चारों तरफ घूम रहा है। ऐसे में वैज्ञानिकों का कहना है कि ये 8 मई से 10 मई के बीच धरती पर कभी भी गिर सकता है और ये जहाँ पर गिरेगा वहाँ भारी तबाही मचाएगा, क्योंकि 5B रॉकेट की लंबाई लगभग 100 फीट है या फिर उससे भी अधिक है और इसकी वजन की बात करें तो ये 21 टन वजनी है, यानी कि एक बड़े आकार के उल्कापिंड से भी ज्यादा खतरनाक है ये रॉकेट। दोस्तों, इस रॉकेट को लेकर वैज्ञानिकों ने एक मैप जारी किया है जिसमें आप देख सकते हो ये लाइनें और वहीं पर कहीं पर भी गिर सकता है ये रॉकेट। दोस्तों, चाइना ऐसा कोई न कोई कांड करता रहता है जिसकी वजह से उसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है। ऐसे में एक साल पहले चाइना की किसी लेबोरेटरी से कोरोना वायरस लीक हुआ था और देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गया। इस वायरस ने अब तक लाखों लोगों की जान ले चुका है और एक बार फिर से ये वैश्विक खतरा बनकर मंडरा रहा है। ऐसे में चाइना ने एक बार फिर से धरती को खतरे में डाल दिया है। वैज्ञानिकों के अनुसार 45 डिग्री एंगल पर यह रॉकेट झुका हुआ है धरती की तरफ और जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा यह धरती के करीब आता जाएगा और धरती के ग्रेविटी फील्ड में फंसते ही ये तेजी से धरती की तरफ गिरने लगेगा और धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते ही ये आग के गोले में परिवर्तित हो जाएगा और जिस जगह पर यह गिरेगा तबाही ही तबाही मचा देगा। ये रॉकेट किसी बड़े आबादी वाले क्षेत्र में गिरता है या फिर किसी बड़े शहर पर गिरता है तो लाखों लोगों की जान ले सकता है, क्योंकि इससे 21 टन वजनी रॉकेट जब तेज धमाके से गिरेगा तो वहां पर तबाही फैलेगी और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को झंझोर के रख देगा और भूकंप जैसे हालात भी पैदा हो सकते हैं। पूरी दुनिया पर खतरा बनके मंडरा रहा ये चाइना का भारी भरकम रॉकेट। ऐसे में जब स्पेस एजेंसियां चीनी रॉकेट से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है तब कोई भी बयान नहीं दे रही है चीनी स्पेस एजेंसी। चाइना इस रॉकेट को लेकर अभी तक कोई भी बयान नहीं दे रहा है। वैसे चाइना की ये पुरानी आदत रही है, क्योंकि पहले धरती को खतरे में डालो, पहले दुनिया को खतरे में डालो और फिर चुप रहो, ये चाइना की पुरानी आदत रही है और इसी कारण ये फिर से एक बार दुनिया की दूसरी स्पेस एजेंसियों को पूछने पर भी इस रॉकेट को लेकर कोई भी जवाब बयान नहीं दे रही है। चाइना ने कुछ दिन पहले भारत में जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर पर लोगों की मौतें हो रही है उसे लेकर हंसी उड़ाई थी, मजाक उड़ाया था और उसके कुछ चंद घंटों बाद ये रॉकेट लॉन्च किया जिसकी सजा उसे तुरंत ही कुछ चंद घंटों बाद मिल गई, क्योंकि ये रॉकेट उनके कंट्रोल से बाहर हो गया और बेकाबू होकर धरती के चारों तरफ घूमने लगा है और इस रॉकेट की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज है कि 90 मिनट में धरती का एक चक्र पूरा कर रहा है। चाइना का सपना सपना ही रह गया, एक बार फिर से वो अपने मिशन में नाकामयाब हुआ। पिछले 2 सालों से चाइना इस मिशन पर काम कर रहा था और अरबों डॉलर खर्च करके उसने ये रॉकेट बनाया और ये मिशन बनाया, लेकिन ये मिशन पूरी तरह से फेल हो गया है और चाइना को एक बार फिर से तगड़ा झटका लगा है और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है।
दोस्तों आपने जरूर सुना होगा कि बाहरी ऑब्जेक्ट हमारी धरती से टकराएंगे और धरती पर तबाही मचा सकते हैं या फिर धरती का अंत कर सकते हैं, लेकिन अब इंसानों की बनाई हुई वस्तु धरती पर गिरेगी और तबाही मचाएगी, ऐसा पहली बार हो रहा है। जब बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां, दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां अपने विशालकाय रॉकेट जब अंतरिक्ष में भेजती हैं, तब अपना मिशन पूरा करके उनका मलबा भी अपनी तय जगह पर गिराते हैं। समुद्र में उनकी एक जगह तय कर देते हैं, उसी जगह पर वो मलबा गिरता है और इस तरह से धरती पर तबाही होने से वो बचाते हैं। लेकिन चाइना का हिसाब तो कुछ अलग ही है, हर बार दुनिया को खतरे में डालकर अपना मिशन पूरा करता है। दुनिया में स्पेस उनका रॉकेट कहाँ गिरेगा इस बात की भी चिंता उन्हें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई भी बयान वो नहीं दे रहे हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने बताया कि इस रॉकेट का हिस्सा कितना जमीन पर गिरेगा और आसमान में कितना जलकर कितना नष्ट होगा कुछ बता पाना मुश्किल है, क्योंकि इसकी डिजाइन के बारे में अभी तक हमें कोई भी पता नहीं है। नासा ने चाइना को पूछने पर भी इस रॉकेट के डिजाइन के बारे में कुछ भी नहीं बताया है और नासा हर बार इस रॉकेट को लगातार ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस रॉकेट की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज है कि इसे ट्रैक कर पाना मुश्किल है। सिर्फ 90 मिनट में ये धरती का एक चक्र पूरा कर रहा है, लेकिन अगले 2 दिनों में ये धरती के किसी भी हिस्से पर गिर सकता है। इसलिए जब धरती के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करेगा तभी इसे नासा ट्रैक पर कर पाएगा और धरती के गिरने से कुछ घंटे पहले ही इसे ट्रैक कर पाएंगे नासा जैसी बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां या फिर कोई भी बड़ी दुनिया की बड़ी स्पेस एजेंसी इसे ट्रैक करने में अभी समर्थ नहीं है। और जैसे ही धरती की कक्षा में यह फिर से प्रवेश करेगा और धरती की तरफ बढ़ेगा तब इसे ट्रैक हो पाएगा और ये कहाँ गिरेगा तब का सटीक जगह का पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल इसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज है कि इसे ट्रैक कर पाना मुश्किल है और चाइना इस पर पूरी तरह से कंट्रोल खो बैठा है। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन उनका मलबा समुद्र में गिरा है। ऐसी कई रॉकेट है जो समुद्र में उनका मलबा गिरा और धरती पर आंच भी नहीं आई, लेकिन ये जो रॉकेट है इसका साइज 101 फीट से भी ज्यादा है और इसका वजन 21 टन वजनी है, यानी कि ये पूरे एक बड़े आकार के उल्कापिंड जितना भयानक तबाही मचा सकती है ये चाइना की रॉकेट। चाइना हर बार कुछ बड़ा करने का सोचता है और ऐसे में उसने रॉकेट भी सबसे बड़ा बना डाला है। और अगर भारत की बात करें तो ये रॉकेट भारत में भी गिर सकता है, क्योंकि अभी तक इसके सटीक जगह को लेकर कुछ भी वैज्ञानिक ने नहीं बताया है और वैज्ञानिक पता भी नहीं लगा पा रहे हैं कि ये कहाँ गिरेगा, इसलिए भारत में भी इसका खतरा बना हुआ है। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि धरती की तरफ आने वाले खतरों से आप सीधे अपडेट रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।